अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। टाइम हो रहा है 12:35 और आज हम सबसे पहले जाएंगे बाबा मॉल। कमर्शियल में है ये जगह और हमारे गेस्ट आए हुए हैं आउट ऑफ सिटी से। वो हमेशा यहीं से जूते लेते हैं। यहाँ पे जूतों की बहुत, बच्चों के जूतों की भी बहुत वैरायटी होती है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। बाबा मॉल के बाद हम लोग जाएंगे राबी सेंटर 6 फ्लोर पर। तो शॉपिंग का आज टाइम है, आप भी हमारे साथ पर ये देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी मिलती है और हम क्या शॉपिंग करते हैं। चलिए चलते हैं। बाबा मॉल यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे है, हमें पहुँचने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, बादल आए हुए हैं, पार्शली क्लाउडी वेदर है, कभी धूप है कभी बादल है, तो ऐसा मौसम है बहुत ही मज़ा आता है। चलें आप भी हमारे साथ चलें और देखते जाते हैं कि क्या क्या वैरायटी हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें परचेज करेंगे। जी मरी रोड हम पहुंचने वाले हैं, बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है और अब हमें तकरीबन यहाँ पे पहुंचकर टाइम 1:10 हो गए हैं। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं हमें यहाँ पे पहुंचने में। जी वो देखें सामने बाबा मॉल आ गए हैं। यहाँ पे आसपास और भी बहुत सी शॉप्स हैं, आप हर तरह की वैरायटी के आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बाबा मॉल में हम लोग एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे ही देखेंगे कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। हर तरह के स्वेटर की वैरायटी होगी और हर तरह के बच्चों के, बड़ों के, हर तरह के कपड़े आप यहाँ से ले सकते हैं। जैकेट्स आप लेना चाहते हैं, समर में आपको बच्चों की वैरायटी बहुत ही अच्छी मिलेगी। शूज़ की भी, ये देखिए बच्चों के शूज़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सर्दियों की वैरायटी है, लेकिन हम लोग असल में गर्मियों के समय के लिए, जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो समर के लिए चाह रहे थे और जो वैरायटी हम लोग मांग रहे थे वो हमें इस बार नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त तक अभी तक सर्दियों की ही जूते इन्होंने लगाए हुए हैं। गर्मियाँ नहीं आई तो वो माल अभी तक नहीं आया। तो जूतों के लिए हम लोग आए थे बहुत ही दूर से, लेकिन हमें जूते नहीं मिले। फैंसी जूतों की भी वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे, आपको हर चीज़ की बहुत वैरायटी मिलेगी। वॉच है, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, बैग्स हैं, किचन आइटम्स आप लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेंगे, पर्स हैं, हर चीज़ की बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। स्कूल बैग्स हैं, अगर आप बच्चों के कुर्ते लेना चाहते हैं, कोई भी फैंसी बच्चों के, गर्ल्स के ड्रेस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हर चीज़ की बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलेगी। लेकिन हमारा जो, हम जो हर दफ़ा यहाँ से लेते हैं वो जूते हमारी होती है प्रेफरेंस के हम यहाँ से जूते परचेज करें, क्योंकि इनकी क्वालिटी जूतों की बहुत ही अच्छी है। कपड़ों, बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। गर्ल्स के फैंसी ड्रेस भी लगे हुए हैं, मेकअप भी है, सब चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। जूते तो हमें नहीं मिले, हमने बच्चों के हेयर बैंड, बच्चों के ड्रेस और नेल पॉलिश और 2-3 इसी तरह की चीज़ों की शॉपिंग की है। तो हमारा जो मकसद था इतनी दूर आने का वो पूरा नहीं हुआ। अब हम यहाँ से चलते हैं, आपको आसपास भी दिखाते हैं कि हर तरह के शूज़ अगर आप बंद लेना चाहते हैं, चप्पल और भी चीज़ों की बहुत वैरायटी आपको आसपास मिल जाएगी। ये बंद शूज़ हैं, बच्चों की चप्पल हैं। इस टाइम गर्मी भी खूब लग रही है और बच्चों ने आइसक्रीम खाई है और हमने भी आइसक्रीम खाई है, बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद हम जा रहे हैं अब राबी सेंटर। राबी सेंटर हम लोग पहुंच चुके हैं, टाइम हो गया है, हमको यहाँ पे 2 बज चुके हैं। 2 बजे हम लोग यहाँ राबी सेंटर पहुँचे हैं। रश बहुत था, पार्किंग नहीं मिल रही थी। राबी सेंटर जब भी आप आएँ तो आप याद रखें कि पार्किंग बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे भी फैंसी कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत हैं। एक सूट के लिए कपड़ा लेना तो खुला, एक गर्ल्स कपड़ा 1,500 में बता रहे थे। मीन अगर आपने 3 से 4 गर्ल्स कपड़ा लेना है तो आपको 5 से 6,000 आप लगाएंगे तो फिर आपका एक सूट बनेगा। बहुत ही एक्सपेंसिव था, कोई भी कपड़ा इतना पसंद नहीं आया जिस तरह मैं लेना चाह रही थी। साथ ही चाइना सेंटर है, वहाँ से भी आप बहुत ही अच्छी वैरायटी देख सकते हैं। राबी सेंटर में ज़्यादातर 3 पीस या 2 पीस सूट ही थे, खुले कपड़े वाली बहुत कम शॉप थी। जो शॉप थी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़ा था, तो जो जिस तरह का कपड़ा मैं लेना चाह रही थी वो नहीं मिला। और जूते हम लोग लेने आए थे वो भी हमें नहीं मिले, क्योंकि अभी मौसम नहीं आया समय का, तो वैरायटी उन्होंने पहले से नहीं रखी।
हम जा रहे हैं घर को, 3 बजने वाले हैं, मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, बादल आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत भी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के ब्लॉग और इसी तरह की फूड अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम घर पहुँचने वाले हैं और 3:30 हो रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया साथ रहने का। अल्लाह हाफिज़।